आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर की चटपटी चटनी। ये बनाना बहुत ही आसान है, आप अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 केजी टमाटर को धोकर इस तरह से काट लिए हैं। सबसे पहले पैन को गरम कर लेते हैं। यहाँ पर फ्राई पैन को गरम कर लिए हैं। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल को गरम होते ही इसमें तेज पत्ता डालेंगे, थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी जीरा, आधी चम्मच पीला सरसों, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, कुछ सेकंड सभी को भून लिए हैं। अब इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर को अच्छी तरह मिला लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखे हैं। टमाटर को अच्छी तरह मिला लिए हैं। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक को अच्छी तरह मिला लेते हैं। नमक को अच्छी तरह मिला लिए हैं। 2 मिनट सभी को इसी तरह चलाते हुए भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। दो मिनट सभी को भून लिए हैं। आप देख सकते हैं टमाटर में से पानी छोड़ चुका है। तो अब इसे ढककर 2 मिनट पकाएंगे ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। दो मिनट इसे ढककर पका लिए हैं। अब इसे अच्छी तरह चला देंगे। इसे अच्छी तरह चला दिए हैं। यहाँ पर 250 ग्राम गुड़ लिए हैं। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे। गुड़ को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। गुड़ को अच्छी तरह मिला लिए हैं। अब इसे ढककर 2 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए टमाटर और गुड़ अच्छी तरह से घुल मिल गया है। ये टमाटर की खट्टी मीठी चटनी तैयार हो चुका है। अब गैस को बंद करके इसे सर्व कर लेते हैं। ये टमाटर की खट्टी मीठी चटनी तैयार हो चुका है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।